मेरठ में हेपेटाइटिस बी के टीके के नाम पर एक खेल किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ अफसर शामिल हैं और खुली लूट यहां पर मचाई गई। इसकी शिकायत जब डीएम के यहां हुई तो जिस एनजीओ को ये टीके लगाने के लिए अधिकृत किया गया था, अब वो आदेश वापस ले लिया गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से खेल चल रहा था, इसी पर हम बात कर लेते हैं। शिकायतकर्ता है अंकित चौधरी। अंकित, आपसे जानना चाहूंगा, मामला बताइए, क्या मामला था, कितना गंभीर है ये मामला? केवल जो लोगों की जान लेने का एक आदेश सीएमओ ने पारित करा कि जाओ लोगों को मारो, एक नौसिखिया एनजीओ को एक आदेश दे दिया गया, आप गांव देहात में जाके टीका करें, वो भी टीका के सबसे सेंसिटिव वैक्सीन का, हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड, और साथ में बताया कि ये कैंसर के भी आपको बचाएगा। नई चीजें निःशुल्क दया WHO का एक नियम है, WHO का नियम है, ये विशेष आपदा में आप एनजीओ को दे सकते हैं, साथ में स्वास्थ्य विभाग का कोई आदमी होना चाहिए। तब गांव के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, तो एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास खुली वैक्सीन थी। जब उससे पूछा गया कि आपको किसने भेजा, तो फैजान ने भेजा। भाई फैजान कौन है, किसने परमिशन दी, तो वहां के CSC प्रभारी से पूछा गया, खरकोदा गया, कुछ नहीं बता पाए, हमने परमिशन नहीं दी गई। DCM से पूछा गया तो परमिशन नहीं दी गई। जब इसके बारे में और कई लोगों से पूछा गया, लेकिन CMO पैसे पकड़ चुके थे और पैसे पकड़ने के बाद एक आदेश दे चुके, जाओ लोगों को मारो। जब हमने ये किस शिकायत करी तो आनंद फानंद में ये कैंसिल कर दिया गया। हमने डीएम से कहा आज जब हम आए कि हमें वो ब्लैक लिस्ट नहीं चाहिए, सीएमओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए, और कार्रवाई क्या चाहिए, इसमें कुछ नियम है, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी, जिनकी बिना अनुमति के आपने पास करवा लिया, एक प्रतिरक्षण अधिकारी, नोडल और टीकाकरण अधिकारी के साइन होने चाहिए। वैक्सीन की क्या जांच है, किससे वैक्सीन ली, कुछ नहीं पता, आपने केवल आदेश पारित कर दिया, जाओ लोग। ये कहां की एनजीओ है, कितने टीके लगाए गए, कितने पैसे ले रहे थे? ये एनजीओ है भास्कर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। कहां की है, कहां से है, कुछ नहीं पता। कौन लगा रहा है, कहां से लगा रहा है, यह भी नहीं पता। 10 रुपए से 200 रुपए तक फ्री की टीकाकरण के, वो भी सरकारी। आप ये देखिए सनुज भाई, गवर्नमेंट सप्लाई के बाद जिदारी देखिए सीएमओ की, गवर्नमेंट सप्लाई के बाद एक आदेश जारी कर दिया और डीएम साहब ने कहा ब्लैकलिस्ट करा दिया, हमने ब्लैकलिस्ट नहीं कराना है भाई, सीएमओ के खिलाफ। और सबसे गंभीर विषय, वहां लगातार 2 या 3 आदमी जिनमें से 12 साल का लड़का ज्यादा गंभीर है, वो जब से टीका लगाया जब से उसकी तबीयत खराब है। यदि किसी भी वहां के व्यक्ति को हो गया तो मैं सीएमओ के साथ साथ जो भी इसमें स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष है सबके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा और सीएमओ के खिलाफ 302 का मुकदमा करवाऊंगा। यह आदेश कौन सा पारित कर दिया, और डीएम साहब को हमने साफ कह दिया 2 दिन के भीतर अगर सीएमओ पर कानून कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग यहीं बैठेंगे। और हम इस पूरे मामले को मैं आज आपके चैनल के माध्यम दिखा रहा हूं कि हम मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सेक्रेटरी हेल्थ और ब्रजेश पाठक जी को हाथों हाथ करने जा रहा हूं, और इसमें पूर्ण जब तक नहीं आएगी जब तक सीएमओ कार्रवाई नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे नहीं हटेंगे। सीएमओ से बात हुई आपकी? सीएमओ से मेरी बात हुई, फोन नहीं उठा रहे, आप बात करो तो बचेंगे। इन्हें कहा डीजी हेल्थ का आदेश है, हमें तो पता है ना भाई, हम भी कहीं बाहर से कोई आए हैं, हम भी पढ़ के आए हैं, एनएलबी करके आए हैं, ये WHO का नियम है, विशेष आपदा में केवल आप दे सकते हैं, ओनली विशेष आपदा। डीएम को फिर शिकायती पत्र, डीएम को शिकायती पत्र दिया हमने, डीएम ने कहा उसे ब्लैकलिस्ट करा दे, मैं नहीं, सीएमओ को ब्लैकलिस्ट करो, इस पे कानूनी कार्रवाई करो। इसमें जो भ्रष्टाचार, मैं आज बता रहा हूँ, प्रत्येक सीएससी पे तय होते हैं 10,000 रुपए, सीएमओ पे जाते हैं आप दे लो, और 200 वैक्सीन लगी 200 रुपए के हिसाब से, तो सीधे सीधा आप देखो कितने रुपए हो गए, उसमें से 70% सीएमओ, 30% एनजीओ लेता है। इतना बड़ा खेल तो हो गया, पैसे का भ्रष्टाचार तो देखा जाए, आप दूसरा गंभीर देखो, लोगों को मारने का भ्रष्टाचार, लोगों की जान से कोई प्यार नहीं, आदेश दे दिया वैक्सीन लगे, 3 लोगों की तबीयत खराब है, भाई कौन देगा, ये मोदी और योगी की सरकार है, इस सरकार में भी ऐसे भ्रष्ट, अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कार्रवाई चाहिए, और कार्रवाई 2 दिन के भीतर ही चाहिए। तो देखिए किस तरीके से जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, डीएम को ज्ञापन दिया है, और खाली जो एनजीओ को ब्लैकलिस्ट करने की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि खाली उससे काम नहीं चलेगा, सीएमओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि आदेश उन्हीं का था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।